आदाब, नमस्कार। हेल्थ टॉक प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो हमें बताएंगे पेट के सिलसिले से कि आखिर पेट की बीमारी कब, क्यों और कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अमित जी का। अमित जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज जिस तरीके से इस माशरे में, समाज में देखा जाए, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पेट रोग विशेषज्ञ हैं, पेट के ही सिलसिले से कुछ बीमारियों के बारे में आपसे गुफ्तगू होगी, और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो पेट की बीमारी है क्यों होती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा जो भी आपसे सवाल है वो ये है कि पेट से जो लोग परेशान हैं, मिसाल के तौर पर पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, ये सब किस तरीके के सिम्टम्स हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं? इसके लिए जैसे कि आजकल जैसे आपने पूछा कि सभी लोग पेट से परेशान हैं और दिन पर दिन पेट की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, ये हमारा जो ये सारा सब कुछ समाज की ही देन है। आजकल देखिए, हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। आज से अगर हम 20 साल पहले जाएँ तो हमारे माँ बाप हमें बाहर का खाना खाने को मना भी करते थे। इतने रेस्टोरेंट, इतने आउटलेट नहीं थे जो कि लोग बाहर खाना खा सकें। आजकल की जो नई जनरेशन है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही खाना खाती है, और ये सारी परेशानियां उनको बाहर के खाना खाने की वजह से, स्पाइसी खाना खाने की वजह से और समय पे खाना ना खाने की वजह से हो रहा है। आजकल लोगों का जो काम भी है, जॉब भी है, तो वो लोग जॉब जो करते हैं, कभी वो इस शहर में है, कभी दूसरे शहर में है, आधा समय ट्रेन में रहते हैं, तो उनका कुछ टाइम नहीं खाना खाने का, और ना सही समय पे अच्छा खाना, पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, तो ये जो पेट में दर्द है, पेट में जो एसिडिटी है, सब उसी की वजह से ऐसे लोगों को ही ज़्यादातर होती है। बाकी तो होने को तो किसी को भी हो सकती है जी। यानी आप कह सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है आज लोगों का, हाँ, लाइफ स्टाइल जो है वो लोगों का बिगड़ गया है जी। यानी खान पान बदलने की वजह से भी अब इतना ज़्यादा जो खाना ऑयली ले लीजिए आप, और फास्ट फूड वगैरह, ये सब यानी पेट के लिए नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह हैं जी। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग आज देखा जाए इग्नोर करते हैं, मिसाल के तौर पर लेटरिन में ब्लड वगैरह हो जाना, खून आ जाना, लेटरिन में खून आता है, तो क्या ये एक बवासीर नाम की बीमारी होती है, क्या ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है या और भी कुछ वजह हो सकती है? हाँ, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को छिपाते हैं कि उनको लेटरिन में खून आया, तो उसको सोचते हैं कि बवासीर है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और निरंतर कई साल गुजर जाते हैं, लोग इसको इधर उधर से छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज करते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो जब उनका ब्लड नहीं रुकता है तो कभी ना कभी हमारे पास भी आते हैं इलाज कराने के लिए। तो हम लोग इसके लिए दूरबीन विधि के द्वारा जांच करके देखते हैं कि लेटरिन से खून क्यों आ रहा है। इसका एक कारण तो बवासीर है, लेकिन इसके और कारण भी होते हैं। कभी कभी हमें जांच के बीच में क्या ना कोलाइटिस एक बीमारी होती है, इसमें कि आँतों में छाले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड आता है, तो वो बीमारी मिलती है। कभी कभी आँतों का कैंसर भी होता है जिसकी वजह से भी ब्लड आता रहता है जी। और मरीज इसको इग्नोर करता रहता है और सही इलाज नहीं ले पाता है जी। तो हमें उन लोग से ये कहना है कि जब भी लेटरिन में ब्लड आया तो एक डॉक्टर से सलाह लें जो कि पेट रोग विशेषज्ञ हो, एक बार अपनी जांच जरूर कराएं और ये पुष्टि कर लें कि ये बवासीर है या कुछ और है जी। इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और अगर कोई बीमारी होगी तो उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। इसके कोई डॉक्टर साहब कोई घरेलू उपाय भी हैं? घरेलू उपाय ये कि अगर बवासीर है तो फिर वो स्पाइसी खाना ना खाए, मिर्चा मसाला ना खाए, और तामसी भोजन जैसे कि मीट मछली ये कम खाए, और फाइबर वाला खाना इसमें कि हरी सब्जियां और फल फ्रूट ज़्यादा खाए, तो उससे उसको आराम मिलेगी। और अगर वो गर्म पानी में बैठ जाए, ठीक है, उसमें विडिटॉल डाल दे जो घर में मौजूद होता है, उसे सिकाई करे, तो उसको आराम मिलेगी। अगर वो बवासीर होगा, अगर उसके अलावा कोई और परेशानी होगी तो ब्लड आना बंद नहीं होगा जी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, यानी ये उपाय हैं घर में जो लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कभी जैसे दस्त आना या फिर कब्ज हो जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है, क्योंकि हॉस्पिटल अब जब जाते हैं तो वहाँ पर नज़र आता है कि आज अगर गौर किया जाए जिस तरीके से हार्ट पेशेंट और भी बीमारियों में लोग मुब्तला हैं, पेट के भी सबसे ज़्यादा अमराज इस वक्त सामने हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे खासकर ऑडियंस को ये भी बता दें कि जैसे पेट दर्द हुआ या फिर
कब्ज़ हो जाना, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इस तरह के काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आजकल आते हैं जिनको पेट साफ नहीं होता, या कभी लैट्रिन 4 या 5 बार जाते हैं और ये बताते हैं कि कभी लैट्रिन टाइट हो रही है, सख्त हो रही है, कभी लैट्रिन मुलायम हो रही है, कभी लैट्रिन बिल्कुल पानी जैसी हो रही है। ये कई साल से उनको दिक्कत होती है और इसी दिक्कत में वो लोग चलते भी रहते हैं और इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन वो ये जान नहीं पाते कि आखिर ये है क्या जी। तो इसका एक ये है कि अगर वो मरीज़ इस तरह से है, कई समय से, कई महीनों से परेशान है, तो वो एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करे और अपनी दोनों आँतों की जाँच कराए। यदि उसमें और कोई बीमारी है तो उसको तुरंत पकड़ करके या उसको तुरंत डायग्नोस करके उसका इलाज कराए। उसको इस तरह से जो पेट हमसे कुछ कहना चाहता है तो उसका कहने का तरीका यही है। अगर पेट में कोई बीमारी होगी तो मरीज को वो बोल के नहीं बताएगा, उसको इसी तरह से परेशानी होगी कि पेट में दर्द है या लैट्रिन में कब्ज़ है या कभी लैट्रिन पतली हो रही है। तो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में 2 जांचें होती हैं, एक दूरबीन विधि से, एक ऊपर से आँख देखी जाती है, एक नीचे से आँख देखी जाती है। उस जांच के बाद अगर उसको कोई जांच में दिक्कत नहीं आती है तो हम इस बीमारी को IBS के नाम से बताते हैं। इसका मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आँतों की तालमेल सही नहीं है, कोई आँख तेज चल रही है, कोई आँख नहीं चल रही है, तो वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, उसका दवा से इलाज हो जाता है। लेकिन यदि और कोई पेट में परेशानी होगी तो वो हम डायग्नोस करके उसको उचित इलाज दे करके उसकी बीमारी से उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज अगर गौर किया जाए जिस तरीके से ऑयली खाना है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उससे, और जैसे स्पाइसी हो गया, तो यानी गले में खाना फंसना, गले की नली से खाना नीचे ना जाना, क्या उसकी ये भी वजह हो सकती हैं या कोई और भी वजह है? ये जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उनके पेट में बेसिकली बहुत देर तक की खाना रहता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के रूप में दें कि अगर हम कोई चीज़ चबाते हैं तो हमारे मुंह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवेशन होता है, ठीक है? तो जैसे कि आप ले लिए, हम अगर चिंगम चबा रहे हैं तो सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर पेट में बहुत देर तक की खाना भी रहता है तो पेट में एसिड ज़्यादा बनता है जी। क्योंकि हमारे जो नेचुरल जो वे है कि हमारे पेट में खाना 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए, जिनको आँतों में चाल में गड़बड़ है या उनको कब्ज़ है, उनके पेट में काफ़ी देर तक खाना रहने की वजह से उनके पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, जो कि ऊपर की ओर बार बार उछाल मारता है जी। और जिसकी वजह से उनके फूड पाइप में जख्म हो जाते हैं, और जब वो खाना खाते हैं तो वो जख्म की वजह से उनको निगलने में परेशानी होती है। और कभी कभी ये कुछ और बीमारी भी होती है कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से कभी कभी फूड पाइप में कैंसर भी डेवलप कर जाता है। तो अगर वो मरीज़ इन सब चीज़ का सेवन कर रहा है तो सबसे पहले तंबाकू खाना बंद कर दे या स्मोकिंग बंद कर दे, उसकी आधी परेशानी ठीक हो जाएगी। और एक बार इस चीज़ के लिए ज़रूर जांच कराए दूरबीन से, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको, उससे जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है वो दूरबीन डाल करके देख लेगा कि ये केवल छाले है कि वहाँ पे कोई बीमारी पैदा हो रही है। अगर उस बीमारी को सही समय पे नहीं पकड़ा जाएगा तो बीमारी फैल जाती है जी। वो फूड पाइप से निकल करके पेट में चली जाएगी, फेफड़े में चली जाएगी, फिर वो नाइलाज हो जाती, फिर उसका जो बचना मुमकिन नहीं रहता है जी। तो ऐसा अगर किसी को है तो उसको जल्द से जल्द इलाज कराए और जल्द से जल्द उसका परीक्षण कराए और उसको मतलब किसी न किसी आसपास के जो भी उसके आसपास डॉक्टर हो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, उनको दिखाए। बहुत खूब डॉक्टर साहब। देखिए नाज़रीन, इसके पहले के भी एपिसोड में जब हमारे साथ हमारे डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट बैठे थे, उन्होंने भी मना किया था सख्ती से डॉक्टर साहब के टोबैको के लिए और ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह के लिए, तो इससे परहेज़ करें क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल कि लोग जान रहे हैं, रैपर के ऊपर भी दिया हुआ होता है, उसके बावजूद इसका सेवन कर रहे हैं कि यानी इसको खाने पीने से कैंसर हो सकता है या और भी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा देखने को मिला है आजकल और ज़्यादातर लोगों की शिकायत भी यही रही है डॉक्टर से कि पेशाब का पीलापन या फिर आँग की पुतली का पीला होना, क्या ये पीलिया के लक्षण हैं या फिर कोई और बात है? ज़्यादातर जो हम लोग को पहले बुजुर्ग लोग बताते थे कि भाई आँख का पीलापन, लोग आँख घर में देख लेते थे, ठीक है, तो आँख का पीलापन या पेशाब पीला होना ये ज़रूर एक बीमारी, इसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। ये 4 तरीके से होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। जी,
हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो गंदे खाने पीने से होता है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है पानी, जो हम लोग पानी कभी घर के बाहर कहीं से भी पी लेते हैं जी। और अगर उसमें इस वायरस का इन्फेक्शन है तो वो हमें पीलिया कर सकता है। तो एक तो हमको सावधानी से पानी पीना है, हमेशा पानी कैरी करना है या पानी आरओ का ही पीना जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि ये जो पीलिया है धीरे धीरे बढ़ता चला आता है और कभी कभी जानलेवा हो जाता है। दूसरा जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होते हैं, इनसे जो पीलिया होता है वो खून टच करने से होता है। जैसे कि कहीं पे आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो देखिए वो हमेशा एक सिरिंज इस्तेमाल करे जो कि नई हो जी, यानी कि ये जो पुरानी प्रवृत्ति थी कि एक सिरिंज इस्तेमाल की जो कांच की होती है उसको उबाल करके, अभी बहुत जगह गांवों में ऐसा हो रहा है कि लोग एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वो लोग इस बीमारी को फैलाते चले जाते हैं। या आप जो है कि कोई ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो अगर अस्पताल बहुत छोटा है और वहाँ पर स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम अच्छा नहीं है जी। उस तरीके से जो है कि अगर उनके जो इस्तेमाल करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्फेक्टेड है, यानी कि एक कहने का मतलब है कि ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं जी। इनसे जो पीलिया होता है वो खून में मिलकर के होता है वायरस का, और ये इसके इलाज के लिए तो आपको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और कौन सा पीलिया है उसकी जांच होगी, उसके अनुसार अब जो है कि इन दोनों हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के लिए पहले इंजेक्शन की विधि के द्वारा इलाज होता था, अब इनकी दोनों की टैबलेट्स आ गई हैं। इसका 6 महीने से 1 साल तक की का कोर्स है, रोज एक गोली खानी होगी। और दूसरा जो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए है उसका जो है कि हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम साफ सुथरा पानी पिएं और बाहर की कोई चीज़ खाएं जो कि अगर रॉ है, जैसे कि बाहर का सलाद, शादी में जाते हैं सलाद खा लेते हैं जी। शादी में जा रहे हैं तो जो चीज़ मतलब पकी नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो शरबत मिल रहा है, उन सब चीज़ को सावधानी से लें और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि पीलिया तुरंत नहीं होता, इसमें कम से कम 1 से 2 महीने का समय लेता है। आपने आज शादी में खाया तो कल आपको पीलिया नहीं होगा, इसमें कम से कम 1 महीने समय लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ गंदी ले ली, इसमें ये इन्फेक्शन था। और 4 सप्ताह के बाद आपको लगा कि आपकी पेशाब पीली हो रही है, आपकी आँख की पुतली पीली होने लगी, फिर वो जब तक कि पूरा इन्फेक्शन बॉडी में फैल नहीं जाता उतना पीलापन बॉडी में होता है, फिर अपना पीलिया घटता है जी। या फिर हम लोग कुछ उसके लिए भी दवा देते हैं कि ताकि पीलिया जल्दी से ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की एक मंतिक भी रही है, सोच रही है कि जब पीलिया होता है तो उसमें पीला ना पहनिए, पीला ना खाइए, ये क्या वजह है? देखिए, ये पुरानी थिंकिंग है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पीलिया होने के जैसे हमने बताया कि 4 कारण होते हैं, उससे पीले रंग से पीला खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आजकल हम लोग प्रमोट करते हैं कि इस समय जिनको पीलिया होता है इनकी भूख कम हो जाती है, इनको भूख ही नहीं लगती है, और इसका पीलिया का लक्षण भी है कि उल्टी भी शुरू हो जाती है कि किसी को पीलिया हो रहा है, जैसे पीलिया बढ़ेगी वैसे उसको उल्टी या वोमिटिंग के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, भूख कम हो जाएगी, तो वो जो भी खाना चाहे। मैं तो अपने मरीजों को ये कहता हूँ जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो चीज़ खिलाएं। हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी और ऑयली खाना ना खिलाएं, लेकिन खाने में हल्दी या इस जो पीले रंग के जो चीज़ें होती हैं, पीली सब्जियाँ, पीला रंग, ये सब मना नहीं है। उसकी जो इच्छा करे खाए, अगर वो खाएगा नहीं तो पीलिया जो है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बॉडी में हमारे अंदर इम्यूनिटी जो होती है उसी के वजह से, जिसकी अच्छी इम्यूनिटी है उसका पीलिया जल्दी ठीक होता है, इसकी इम्यूनिटी जो अंदर से कमज़ोर है उसमें पीलिया देर में ठीक होता है। अगर वो खाएगा नहीं तो शरीर कमज़ोर होगा और पीलिया ठीक नहीं होगा। तो ऐसे मरीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि खूब खाएँ, मीठी चीज़ ज़्यादा खाएँ, ग्लूकोज ज़्यादा पिएँ, और खाने में जो उसको पसंद हो, यहाँ तक कि बच्चों में हम कहते हैं कि भाई उसको अगर टॉफ़ी पसंद है या चॉकलेट पसंद है वो भी खिला सकते हैं, आइसक्रीम भी खिला सकते हैं, अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो उसमें कोई चीज़ मना नहीं। डॉक्टर साहब, पेट के दर्द का या पेट की तकलीफ़ का जो नॉर्मली लोगों के होने लगती है, तकलीफ़ या दर्द या और कोई बात, तो उसका सामान्य एक उपाय क्या हो सकता है? देखिए, एक तो यही है कि कभी कभी लोगों को पेट में ज़्यादा गैस बनती है जो कि गैस खारिज नहीं हो पाती, इसकी वजह से कुछ लोग को हल्का फुल्का डल एकिंग पेन को कहते हैं, बहुत मामूली सा दर्द होता है लेकिन वो अपना चलते फिरते रहते हैं जी। तो वो तो अगर वो अपना खान पीन समय से करें, अच्छा खाना खाएं, फाइबर वाला खाना खाएं, समय में मोशन जाएं, तो वो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दर्द ऐसा होता है जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको जाकर किसी आसपास के अस्पताल में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है बार बार, तो उसको अनदेखा ना करें, एक अल्ट्रासाउंड करा करके देख लें कहीं वो किडनी में स्टोन तो नहीं है, पेशाब
कि रास्ते स्टोन तो नहीं फंसा हुआ है, या गालबर्डर एक होती पित्त की थैली उसमें पथरी अटक जाती है तो दर्द होता है, या अपेंडिक्स, ये तीन जो होते हैं, और चौथा पैंकेटाइटिस। ये चार कारण होते हैं पेट में दर्द के, जिसमें कि मरीज को इतना तेज पेन होता है कि वो अपने घर में कहना गोली से और जो वक्ती जो लोग सिकाई से, इससे उसको आराम नहीं मिलता है, वो छटपटाता है, तो उसके लिए वो लोग अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं और एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, जैसे भूख आजकल सामने बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको बड़ी शिकायत है, वो हकीमों के और आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी तरीके से उनका वज़न बढ़ जाए और भूख लगने लगे। ज़्यादातर यही हो गया है कि भूख कम लग रही है और वज़न भी कम होता जा रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि मरीज़ की उम्र क्या है। अगर वो बुज़ुर्ग है या उनकी उम्र 45 साल के ऊपर है और उनको पहले भूख सही लगती थी, वज़न पहले अच्छा था, अब उन्होंने देखा कि इधर 6 महीने में उनका वज़न 10 किलो से ज़्यादा घट गया है और उनको भूख भी कम लग रही है, तो ये एक बड़ी बीमारी शरीर के अंदर होने का संदेश है या उसका इशारा है। तो उनको एक मास्टर हेल्थ चेकअप करना चाहिए कि ये उनके शरीर में ऐसा तो नहीं कोई बीमारी अंदर है, कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, या और भी कोई बड़ी बीमारी, दमा हो सकता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है। तो एक मास्टर चेकअप कराएं और देखें कि उनको भूख क्यों कम लग रही है। हाँ, यदि वो चीज़ें सब कुछ सही हैं तो हम लोग कभी कभी किसी डिप्रेशन की वजह से भी कुछ मरीज, जैसे घर में कोई अनहोनी हो गई उसकी वजह से मरीज़ ने खाना बंद कर दिया, तो डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से भी कुछ लोगों को भूख कम लगती है, तो उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन एक बार रूल आउट किया जाएगा कि कोई बीमारी तो शरीर में नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे घर में महिलाएं जिनको कोई दिखाने नहीं आता है, वो भूख कुछ खाती नहीं, जब वो बीमारी बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाती, जब वो बीमारी बिल्कुल बाहर आके बताने लगती कि कोई ये बीमारी, इसे उल्टी में कभी खून आ जाए या लैट्रिन में खून आ जाए इस तरीके से, फिर जब उनकी जांचें होती तो पता चलता है कि इनको ये कैंसर है, या सीटी स्कैन तबा के आदमी कराता है बोलता है इसको पेट का कैंसर है या कहीं का भी कैंसर है। तो भूख न लगना एक बड़ी बीमारी की तरफ इशारा है, तो उसके लिए भी तुरंत सतर्क होकर के इन्वेस्टिगेट करें। डॉक्टर साहब, क्या ये भी हो सकता है कि पेट की तकलीफ़ की वजह से या पेट में कोई बीमारी होने की वजह से हमारे सर में दर्द हो या बॉडी अजी डिप्रेस टाइप की हो, जैसे हो आज अमूमन लोगों के सामने ये चीज़ है? एक ऐसा जो कि जिनको पेट में दर्द रहता है, जिनको ये बीमारी कई समय से है, कई महीनों से है, तो उनको एक उलझन सी बनी रहती है कि हमारा ये बीमारी जा क्यों नहीं रहा है, एक परेशानी बन जाती कि आखिर ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। इसकी बार बार सोचने की वजह से उसको सर में दर्द होता है। इसको एक हम हिंदी में एक वर्ड आता उलझन, जब बेचैनी, वो सोचता है मरीज की आखिर ये दिक्कत क्या है, मैं तो सही से खा भी रहा हूँ, मैं अब एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, ये जो बीमारी पेट की जो रहती है जिसको पेट में गैस बनने वाली, ये एक दो दिन में ठीक नहीं होती। अगर आदमी अगर सही नियमित रूप से खाए पिए तो एटलीस्ट 3 महीने बाद इसका असर आना शुरू होता है, लेकिन वो आदमी एक हफ्ते में सोचता है कि मैं तो अब सही से खा रहा हूँ, सुबह टहलने भी जा रहा हूँ, तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उससे हमें ये कहना है कि वो थोड़ा सा शांति बरते, सही से अपना पंचुअलिटी से खाए, पौष्टिक खाना खाए और सोचे नहीं, तो उसका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बाकी अगर दर्द है तो एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, और अगर 40 साल की ऊपर उम्र है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक बीमारी होती है, इसकी वजह से भी दर्द रहता है। आजकल लोग बाइक चलाते हैं, हेलमेट लगा कर चलते हैं, तो हेलमेट की वजन से भी क्या नाम हमारी जो गले की हड्डी है वो दब जाती है, सर्वाइकल वाली जो हड्डी है गले की, उसकी वजह से भी दर्द रहता है लोगों को आजकल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो एक के बाद एक जहन में आते रहते हैं। हमारे पास एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आया है कि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ टाइम पहले ही, एक हमारे जानने वाले, उनके असल में पेट में ऐसी तकलीफ हुई तो उनके आँतों की एक टीवी बताई थी, तो वो नॉर्मल तकलीफ थी और वज़न एकदम से कम होना शुरू हुआ, तो क्या आँतों की टीवी के सिम्टम्स इस तरीके के हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आँतों में जिससे हमारे फेफड़े में टीबी हो जाती है तो उसका सिम्टम होता है कि आदमी खांसता है, उसमें ब्लड आता है, वैसे पेट में दर्द और कभी कभी आँत फंस जाती है, ऐसे आदमी ने खाना खाया उसका पेट फूलता चला आ रहा है, ना गैस पास हो रही है, ना लैट्रिन हो रही है, पेट में दर्द बढ़ता चला आ रहा है, तब वो अस्पताल में आता है, उसका एक्सरे होता है तो ये पता चलता है कि आँत कहीं पर उलझ गई है, फंस गई है, तो उस आँत में, उस एरिया में धीरे धीरे घाव होता है टीबी की वजह से, वो आँत का रास्ता
सिकुड़ जाता है, इससे कि खाने का आना जाना रुक जाता है और फिर वो मरीज़ पेट दर्द लेकर के डॉक्टर के पास आता है। और ये वही मैंने आपको बताया था कि ये मरीज़ अगर पहले इसको देखा जाए कायदे से, इसको भूख भी कम लग रही होगी और ये खा भी कम रहा होगा, उसका वज़न भी कम हो रहा होगा, लेकिन डॉक्टरों को ना दिखाने की वजह से वो अचानक अस्पताल में आता है पेट दर्द लेकर के, और वो आता है पलटी लेकर के कि उसको आप कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो जा रही है और कुछ भी पच नहीं रहा है। तब जब उसका जाँच होता है तब ये पकड़ में आता है अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से कि इसको आंतों की टीबी है। जी डॉक्टर साहब, एक तो सिम्टम्स ये हो गया, दूसरा सिम्टम ये कि उल्टी होना या फिर पेट में गांठ का महसूस होना। हाँ, पेट में गांठ टीबी वाले में तो महसूस मरीज़ नहीं कर पाता है, लेकिन गांठ कभी कभी जो पित्त की थैली में पथरी होती है और मरीज़ उसको अनदेखी करता है, तो आजकल देखा जाए जिनको पित्त की थैली में पथरी है उन्हें जो होता है कि लंबे समय के बाद जा कर के पित्त की थैली का कैंसर हो जाता है, और वो पित्त की थैली का कैंसर मरीज अपने हाथों से महसूस कर सकता है। और दूसरा जो होता है एक तिल्ली होती है, जैसे कि बहुत लोग जो शराब पीते हैं उनको जो लीवर सिरोसिस हो जाती है, इसकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, पुट्रा हाइपरटेंशन बढ़ता है, तो तिल्ली बाएँ साइड में होती वो भी मरीज़ महसूस करता है। तो ऐसा अगर उसको लगता है कहीं भी शरीर टटोलते समय उसके पेट में कोई गांठ है या उसको कुछ हार्ड सा फील हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए कि आखिर है क्या। अगर वो शराब पी रहा है तो वो लीवर सिरोसिस भी हो सकती है, इसकी वजह से तिल्ली बढ़ गई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मरीज़ अपना शरीर टटोल रहा है, उसको कोई गांठ मिल रही, तो तुरंत किसी न किसी आसपास के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाए। डॉक्टर साहब, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, धीरे धीरे मशीन्स ने साथ देना शुरू कर दिया, तो हम चाहेंगे हमें ये भी बता दें कि इंडोस्कोपी जो आप करते हैं तो इंडोस्कोपी का तरीका क्या होता है और किस वजह से इंडोस्कोपी की जाती है। इंडोस्कोपी हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक मुंह के रास्ते करते हैं, इससे हम लोग फूड पाइप, पेट और छोटी आंत देखते हैं, और एक हम लोग करते हैं लैट्रिन के रास्ते, इसमें हम लोग लैट्रिन की थैली और बड़ी आंत को देखते हैं। तो जो ऊपर की जो इंडोस्कोपी करते हैं वो बेसिकली पेट से रिलेटेड सारी बीमारियाँ हैं कि पेट में एसिडिटी, पेट में दर्द या कभी उल्टी में खून आना, ऊपर से गैस निकलना, इन सब कारणों की वजह से करते हैं। और लैट्रिन के रास्ते जो हम इंडोस्कोपी करते हैं उसका कारण होता है कि लैट्रिन रास्ते ब्लड आना, लैट्रिन में कभी कब्ज या कभी दस्त की तरह से परेशानी होना, और या जैसा आपने बताया कि अगर किसी को पेट की टीबी है उसके लिए भी हम लोग जाँच करते हैं लैट्रिन के रास्ते आँत की। और अगर कोई उसको बीमारी हमें सीटी स्कैन में दिख रही है कि इस आँत में, तो भी वहाँ से हमको बायोप्सी लेने के लिए कि हाँ ये कौन सा कैंसर है या टीबी है, तो भी हम नीचे से जा करके दूरबीन के जरिए वहाँ पहुँच करके जहाँ पे गांठ होती है वहाँ से बायोप्सी लेने के लिए भी जांच करते हैं। अली डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे हमारे खासकर ऑडियंस को आप कोई अच्छा सा एक मैसेज दे दें कि उन्हें किस तरीके से सतर्क रहना है बीमारियों से खासकर। देखिए, अगर हमें अपना पेट को सही रखना है और हमें अपना हाजमा अच्छा रखना है, तो हमें कुछ नियम है जो कि मैंने स्वयं बनाए हैं, वो ये है कि सुबह उठ करके आप 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए, जो कि पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, कम से कम 5 किलोमीटर की सैर जरूर करें। 5 किलोमीटर से कम सैर करना से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पूरा 5 किलोमीटर सैर करनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी के अंदर हीट पहुंचेगी और आपके अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा अब बेटर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, ठीक है, जो सब्ज़ी कम तेल में बने, जैसे लौकी, तरोई, टिंडा, करेला, परवल, ये सब अपने खाने में ज़्यादा खाएं। जो चीज़ें जिसमें ज़्यादा ऑयल लगता है उसको खाएं, लेकिन कम खाएं, मतलब उसको हफ्ते में एक बार खाएं, और ऐसी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। खाने में हम सलाद ज़रूर लें, फल ज़रूर खाएं, और जो हम लोग खाना खाते हैं उस समय पानी ना पिए। खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले पानी पिए या 1 घंटा बाद पानी पिए, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पेट में जाता है, उसमें जूस लगता है, एसिड लगता है जिसको हजम करता है। अगर हम तुरंत पानी पी लेंगे तो वो हमारा एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, तो खाना सही से हजम नहीं होगा। तो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। और रात का खाना ऐसे जो हम लोग खा करके तुरंत सो जाते हैं तो पेट में ही रखा रहता है, वो बार बार ऊपर आता है एसिडिटी की वजह से। तो आपको रात का खाना सोने से कम से कम 2 या 3 घंटे पहले खाएं। जी। और लास्ट पॉइंट है, खाना जो है इत्मीनान से बैठ के खाना चाहिए, यानी जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, खूब
खूब चबा के खाना चाहिए क्योंकि जब तक कि खाना खूब छोटे टुकड़े में नहीं हो जाता है तब तक कि वो पेट से आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपने जल्दी में खा लिया तो खाना पेट में पेट को फिर चबाना पड़ेगा जी, यानी कि पेट में जब तक कि खाना बिल्कुल पेस्ट की तरीके से नहीं हो जाएगा तब तक कि वो छोटी आंत पे नहीं जा पाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी देर तक खाना पेट में रहेगा उतना ज़्यादा एसिड बनेगा जी, तो उसको एसिडिटी के सिम्टम्स होंगे। तो कम से कम आधा घंटा आपको खाना खाने में लगना चाहिए जी। हमारे हिसाब से बुजुर्गों ने कहा है कि हर दांत को मौका मिलना चाहिए जी। एक निवाला आपने खाया तो 32 बार चबाना चाहिए, ठीक है? 32 बार तो नहीं, कम से कम 20 बार 25 बार तो चबाएं। आजकल तो लोग 5 ही बार चबाते निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। तो ये सारे नियम का अगर कोई पालन रखता है तो उसको पेट की दिक्कतों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उसकी दिक्कतें कम होंगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है हमारा, ख़ासकर मुआशरन यंगस्टर्स हैं हमारा है कि आज देखा जाए तो एक्सरसाइज जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग का शौक़ सर पे चढ़ाए लोगों के, और सामने देखने को मिल रहा है कि फूड सप्लीमेंट बताकर ना जाने किस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या ये सप्लीमेंट जो यूज़ कर रहे हैं ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं? ये बॉडी के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, ये उल्टा नुकसानदेह हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं वो लोग जिससे कि बॉडी में मसल्स में ग्रोथ ज़्यादा हो और वो हमारे अंदर कई सारी बीमारियां भी पैदा करते हैं जी। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोटेंसी जी, तो जो लोग इनका सेवन करते हैं उनको इस चीज़ से कभी ना कभी उनको ये चीज़ हो जाती है। और बाकी अगर उनकी वक्ती कुछ समय के लिए बॉडी बन भी जाती है जी, लेकिन जब उसका सेवन वो बंद करते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल लूज़ हो जाती है जी। और अगर किसी को बॉडी बनानी है तो जो हमारे पर नेचुरल प्रोटीन मौजूद है जैसे एग है, मिल्क है जी, इन सब का सेवन करें। ये जो जिसमें प्रोटीन्स में हार्मोनल्स मेडिसिन या कुछ इस तरह के मेडिसिन मिली होती हैं उनको ना लें। डॉक्टर साहब, जैसे इंजेक्टेड फूड हो गए आजकल सबसे ज़्यादा, जैसे देखा गया एक नेचुरल फूड होता था पहले, अपने हिसाब से अपने तरीके से धीरे धीरे फल अपने वजूद में आता था, लेकिन आज के दौर में जो इंजेक्टेड चीज़ें इंजेक्शंस वाली, तो हम कौन सा ऐसा सुझाव हमारे सामने खासकर हमारे ऑडियंस को दे दें कि हम इन सब चीज़ों से बचें? इससे तो कोई नहीं बच सकता है क्योंकि ये आजकल एक सिस्टम में आ गया है। अब इसमें जो हमारा अपना विवेक या हमारा जो कहता है कि जैसे कि हम लोग पहले जो गेहूं पैदा करते थे या जो पहले जो सब्जियां होती थी उनमें समय लगता था, गेहूं पैदा होने में 6 महीने लगते थे, आजकल 3 महीने में गेहूं जवानी से बुढ़ापे का सफ़र तय कर लेता है। तो वही गेहूं अगर हम लोग खाएंगे तो वो जो जीन चेंज हमने उसके में किया है दवा से, तो हमारी भी लाइफ स्पैन कम होगी, हमारा भी जवानी से बुढ़ापा जो बहुत जल्दी आ जाएगा। यानी कि जो पहले लोग 70 साल 80 साल जीते थे, तो आज अगर वो गेहूं खा रहे हैं हम लोग हैं, तो हमको मान के चले जो कैंसर उनको 60 साल में होता था वही कैंसर हम लोग को 30 साल में होगा। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो कैंसर वाली बीमारी ज़्यादा बढ़ रही, उसका कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे जो मेन डाइट है, मतलब जो मेन हम लोग चावल और गेहूँ खा रहे हैं उनमें छिपा हुआ, अभी तक कि ये प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन हमें रोज़ हम लोग मरीज़ देखते रहते हैं, आजकल देख रहे हैं कैंसर कितना कॉमन हो गया है। जैसे कि आजकल जो लोग पान खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, पहले हमने देखे बहुत लोग पान पराग पान खाते थे लेकिन इतना कैंसर नहीं होता था। आजकल हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं तो यंग पेशेंट्स को 20-25 साल के जो लड़के हैं उनको कैंसर निकल आ रहा है। तो वो जो आजकल पुड़िए में जो पना हुआ पान पराग है वो टोटल केमिकल होता है। वैसे तो देखा जाए पान में पान का पत्ता होता है, वो सब चीज़ें नुकसानदायक तो हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोग केमिकल ज़्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए कि मतलब जो आप कह रहे हैं उसका कोई रोकथाम तो नहीं, लेकिन अगर कोशिश आदमी कर सके तो ऐसी सब्जियों का सेवन ना करो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, लीवर सिरोसिस के सिलसिले से हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आज ड्रंकर खासकर शराब पीने वाले, अगर जनाब पूछो कि शराब पीते हो तो कह बोलते हैं कि नहीं मैं तो अंग्रेज़ी शराब का सेवन करता हूँ, ये तो नुकसान भी नहीं करती ना ही इससे किसी तरह का कोई नुकसान होता है, ख़ासकर हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि शराब कितना बड़ा जहर है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी को? देखिए, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जो सोसाइटी है, जो हाई सोसाइटी है, उनकी सारी पार्टीज एवरीथिंग जो है वो बिना अल्कोहल के पूरी नहीं होती। तो अल्कोहल वो लोग लेते ज़रूर हैं, तो ये बहुत लोग का मानना है कि मैं तो
केवल 40 ml रोज़ लेता हूँ, जो कि पहले हम लोग डॉक्टर्स भी कहते थे कि हार्ट के लिए ये लाभदायक है, ठीक है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन अब आज ऐसा नहीं है। अब हम लोग ने देखा है कि हिंदुस्तान में हमने स्टडी की थी, इसमें ये पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, भले वो शराब कम पिए ज़्यादा पिए, अगर उसका जो एक हमने एक लेवल बनाया, क्यूमुलेटिव लेवल बनाया है कि 2000 लीटर शराब जब वो पी लेगा तो उसका लीवर ख़राब हो जाएगा। यानी कि अगर वो आज उसने 100 ml पिया, कल उसने 50 ml पिया, परसों उसने 30 ml पिया, एक दिन से 150 ml पी लिया, तो जिस दिन उसका 2000 लेवल जो होगा अल्कोहल का पूरा हो जाएगा, तो हमने देखा है कि उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है। और आजकल जो लोग नए बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग में कॉलेज के बाद ही से ये शराब पीने लगते हैं, तो हम अभी मैंने स्टडी की थी, उसमें करीबन 84 पेशेंट थे, इसमें कि 54 पेशेंट्स को शराब पीने से लीवर सिरोसिस हुआ था, बाकी जो 30 पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से हुआ था। तो 54 पेशेंट में जो सबसे छोटा व्यक्ति था वो 16 साल का था, और जो मीडियन एज वाले, जो हमने बीच की एज उम्र निकाली, वो केवल 33 ईयर थी। यानी कि ज़्यादातर जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट थे वो सब यंग थे। तो ये जो शराब, मेरा तो कहना है कि आप ना लें, और अंग्रेजी शराब या देसी शराब में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, देसी शराब में अल्कोहल तो दोनों ही में होता है, दोनों में अल्कोहल होता है। अब ये होता है कि उसका कोई चेकिंग नहीं होता है, जो देसी शराब होती है, अंग्रेजी शराब में चेकिंग होती है, 42.4% अल्कोहल होता है अंग्रेजी शराब में, लेकिन दोनों ही अल्कोहल है, दोनों नुकसानदायक है, और उसको ना लेने में ही समझदारी है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में थे। आपने मुसलसल हमको पेट की बीमारियों के सिलसिले से बताया, और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस को आपने ये भी बताया कि शराब कितना बड़ा जहर है, और किस तरीके से अल्कोहल का यूज़ होता है, और किस तरह से लीवर डैमेज हो जाता है। तो फ़िलहाल ऑडियंस, अब हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।